फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं आप लोगों को फिर से एक बार ऐसे इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसे सेंटेंसेज में जिसमें हमको कहने की जरूरत पड़े, जैसे तुमने क्या क्या खाया, या तुमने क्या क्या खरीदा, या तुम कहाँ कहाँ गए, या तुम किस किस से मिले। ऐसे सेंटेंसेज हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं हमको। तो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे आज की क्लास में कि ऐसे सेंटेंसेज को हम किस तरह से बनाते हैं जिसमें हमको ये कहने की जरूरत पड़े क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन, किस किस से। तो जानते हैं ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से हम बनाएंगे। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हमको लिखना होगा व्हाट या वेयर, हू, उसके बाद लिखना होगा हमको ऑल, फिर लिखना होगा डिड, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए समझते हैं बेहतर तरीके से इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे उसको कहना हो तुम कहाँ कहाँ गए, तुम कहाँ कहाँ गए। तो कोई आपका फ्रेंड या कोई आपका रिलेटिव कहीं घूमने गया, आपने उससे पूछा तुम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमने गए। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है कहाँ, इसी इंग्लिश लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट, वेयर, हू, होम, इनमें से जो भी हुआ आएगा तो हम उसको पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वेयर, वेयर, उसके बाद हमको लिखना होगा फ्रेंड्स ऑल, वेयर ऑल, उसके बाद लिखेंगे डिड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो, तुम कहां कहां गए, या इसी तरह से उसने क्या क्या खरीदा, उसने क्या क्या खरीदा, कोई मार्केट गया, या आपको अपने किसी फ्रेंड से या किसी और से पूछने की जरूरत पड़ेगी तुमने क्या क्या खरीदा, उसको कैसे पूछेंगे हम, किस तरह से उसे इंग्लिश किस तरह से बनाएंगे, तुमने क्या क्या खरीदा या उसने क्या क्या खरीदा। तो इस तरह से जिस तरह इसमें कहाँ शब्द आया था, इसमें क्या शब्द आया हुआ है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे व्हाट, उसके तुरंत बाद लिखेंगे ऑल, व्हाट ऑल डिड, सब्जेक्ट है हमारा उसने, थर्ड पर्सन, इसका जो हमारा इसकी जो इंग्लिश होगी वो लिखेंगे ही, व्हाट ऑल डिड ही बाय, व्हाट ऑल डिड ही बाय, उसने क्या क्या खरीदा, या इसी तरह से उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने क्या क्या देखा। तो जो बीच हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा उसको पहले लिखेंगे व्हाट और डिड, उन्होंने प्लूरल सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन, दे इसके जो इंग्लिश होगी होगी दे, व्हाट और डिड दे सी, व्हाट और डिड दे सी। इस तरह से बहुत ही इजी है, इजीली ऐसे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं जिसमें कहने की जरूरत पड़े क्या क्या, कहाँ कहाँ, कौन कौन, किस किस। इसी तरह से इस तरह से आपको कहना हो तुम किस किस से मिले, तुम किस किस से, तुम किस किस से मिले। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करेंगे, with whom, interrogative word लिखेंगे इसके साथ, with का use करेंगे, with whom all did you, with whom all did you meet, तुम किस किस से मिले, with whom all did you meet, या इसी तरह से वह कहाँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, या स्क्रीन शॉट लेना चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, जगह का मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको नीचे वाले सेंटेंस मिटा दे रहा हूँ मैं, आगे के और थोड़ा और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इस स्ट्रक्चर को किस तरह से हम यूज करेंगे सेंटेंस में। जैसे आपको कहना हो तुम कहाँ कहाँ
कहां कहां हो। तो सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश वेयर, वेयर ऑल डिड यू, वेयर ऑल डिड यू विजिट, वेयर ऑल डिड यू विजिट, तुम कहां कहां घूमे। तो इस तरह से इजिली हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं जिसमें हमको कहने की जरूरत पड़े क्या क्या, कहां कहां, कौन कौन, या इसी तरह से कौन कौन, कौन कौन, कौन कौन आया, कौन कौन आया। तो इसको इस तरह से बनाएंगे who all came, कौन कौन आया, who all came। तो फ्रेंड इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके बहुत ही इजीली हम ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं जिसमें आपको कहने की आवश्यकता पड़े कौन कौन या क्या क्या, कहां कहां, किससे किससे। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, थैंक यू।